यहाँ पे रात को सारी कुकिंग हुई थी और यहीं पे बैठ के हम सब लोगों ने डिनर किया था। ये हमने मैस टेंट बनाया हुआ था। ये है जी कैंप का कुछ अंदर का सेटअप और इस वक्त हम इसके अंदर जी पूरे 10 लोग सो रहे हैं। यहाँ पे बन रहा है हॉट एंड सोर सूप। दूसरी तरफ जी हमारा बन रहा है साथ जीश भाई लगे हुए उस पे दुम्बा कढ़ाई बन रही है। चले जी माशाल्लाह बिस्मिल्लाह ये आ गया जी खाना। ये जी हम सारे मैस टेंट के अंदर आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग फ्रॉम पंचपीर रॉक्स और वेलकम टू अनदर फ्रेश व्लॉग। पिछले व्लॉग में आपको सारी की सारी मैंने राइड दिखाई इस्लामाबाद से यहाँ तक हम कैसे आए, किस तरह हमने गाड़ी को धक्के शक्के लगाए, बाइक्स को किस तरह हम ऊपर लेके आए। बहुत ही कमाल के व्यू पॉइंट पे हम मौजूद हैं और इन द बैकग्राउंड आप देख सकते हैं बॉयज़ जो है वो कैंप वगैरह सेटअप कर रहे हैं। सो जी हैप्पी इंटरनेशनल माउंटेंस डे टू एवरीवन। हर साल की तरह आज भी मैं माउंटेंस डे को सेलिब्रेट करने आया हूँ, लेकिन आज के इसमें यूनिकनेस ये है कि आज मैं अपने सब्सक्राइबर्स को भी साथ लेके आया हूँ। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि अब जो नेक्स्ट कैंपिंग होती रहेगी उसमें मैं कुछ ना कुछ सब्सक्राइबर्स को भी साथ लेके आऊंगा। तो आज भी मेरे साथ कुछ लोग हैं, तकरीबन हम 10 लोग हैं। ऑलराइट जी, फिलहाल ये सीन है कि कैंप हमारा लग चुका है और साथ साथ हम सामान को भी सेटअप करते जा रहे हैं, कौन सी चीज कहाँ पे रखनी है। और ये देखें जी सारे बैग्स वगैरह यहाँ पे पड़े हैं फिलहाल, और वहाँ पे हो रहा है मज़े वाला कमाल का जो सनसेट उसका भी व्यू एंजॉय करते हैं। और ये है जी कैंप। नाउ यू कैन से अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में कोई 10 दफ़ा आपने अस्सलाम वालेकुम बोला, जब भी आपकी तरफ कैमरा है आपने हमेशा अस्सलाम वालेकुम कहा है। नहीं अच्छी बात है, बोलना चाहिए। यह है जी बड़े वाला कैंप, डोम शेप का है ये और इसके अंदर होपफुली 10 बंदे आ जाएंगे जिस तरह अम्मार कह रहा है। और अभी अम्मार ने और बाकी 2-3 लड़कों ने मिल के इसको सेटअप कर लिया। जल्दी से मैं आपको इस तरह दिखा देता हूँ। ये है जी इसका कुछ सीन और ये जगह हमने दरख्तों के बीच में ये सेटअप किया हुआ है। आगे भी खुली जगह, यहाँ पे अभी लड़के क्रिकेट खेल रहे थे और अब वो खेल के जा चुके हैं क्योंकि ठंड बढ़ना शुरू हो गई है। अभी बाकी सामान भी अपना सेटअप करते हैं कैंप के अंदर और सबसे पहली चीज़ ये है कि हम सनसेट के साथ इंजॉय करेंगे चाय। सुभान अल्लाह यार, कितना ज़बरदस्त और कमाल का सनसेट हो रहा है और कितनी मस्त जगह पर मैं चल रहा हूँ। ये देखें पीछे का व्यू। ओह माय गुडनेस यार, उसके बाद वहां पे जाना है जी, मैंने भी पिक्चर्स बनानी है उस वाली रिज के ऊपर, वहां बहुत मजे की कमाल की पिक्चर आ रही है और फोटोग्राफर हमारा वहां पे बैठा हुआ है सेकंड अमार, वो पिक्चर्स ले रहा है। फरजान तुम कितनी मस्त जगह पे बैठे हो यार। मैं ये कह रहा था सी, हाँ दैट्स अ गुड थिंग। दिखाओ सामने करो, शो द व्यूअर्स एज वेल। ये चेक करें जी, कैचिंग द सन, वो है सन। ये है जी इस क्लिफ से व्यू और नीचे बहुत ज्यादा गहरी जगह, फुल गहरी जगह, फुल। ओह मार भाई, ये इजी।
क्या टाइम हो रहा है? चाय गिरने का टाइम हो गया। सामने चले जी, 6:30 बज चुके हैं और फाइनली हमने अपना सेटअप ऑलमोस्ट कर लिया। अभी भी सामान बाहर बिखरा पड़ा हुआ है और जैसी मगरिब हुई, सनसेट हुआ, उसके बाद बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की ठंडी हवा चलने लगी और उसने हमें बिल्कुल हेल्पलेस कर दिया। और उसके बाद जो है हमसे बिल्कुल व्यूअर लाइक हेल्पलेस, किसी तरह का काम नहीं हो रहा था ठंड की वजह से, लेकिन जैसे तैसे करके हमने मैनेज किया, कैंप लगाए और उसके बाद फिर चाय बनाने लगे तो चाय भी नहीं बन रही थी, हवा बहुत तेज़ थी। और उसके बाद हमने ये वाला कैंप लगाया और इसके अंदर अब हम बैठ के हमने चाय फाइनली बना ली है और तकरीबन 1.5 घंटा हो गया हमें चाय बनाते हुए। ये कुछ इस तरह जी हम अंदर बैठे हुए कैंप के अंदर, और वैसे हम 8 ही होते ना तो हर हिसाब से ठीक थे, 2 एक्स्ट्रा बंदे आ गए, उनकी जगह नहीं है। बिलाल भाई और उनके दोस्त ने जय देर से आना था, उनका सामान अब देना, वो वापस चले जाते हैं। हां यार, क्या अंदर आ इधर क्या कह रहे हैं? मैंने कहा जो 2 एक्स्ट्रा बंदे आए हैं ना, आप उनका सामान दो, वापस चले चले जाते हैं। सबसे पहले तो सिलेंडर चुको। चले जी चाय डाले, वो सिलेंडर बाहर ही पड़ा हुआ है। अच्छा जी, अभी हम थोड़े से लेट हो गए थे और यहाँ पे लोगों ने कुछ भी नहीं किया। अभी आके हमने यहाँ पे कैंप वगैरह सेट करवाया है, यहाँ पे हम बिस्तरे लगवा रहे हैं इनके, ये देखें जी। तो दो बंदे क्या पोजीशन है? कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ। ओए मेरी बात सुनो यार, एक बंदा, दो बंदे आराम से कुकिंग हो जाए, दो बंदे आराम से उस कैंप में आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाएंगे। अभी जनाब आपको हम अपना दिखाते हैं किचन का सेटअप, जो हम लोगों ने सेटअप किया हुआ किचन का, और ये देखें जनाब। अस्सलाम वालेकुम, आ जाएं जी बिलाल भाई, आ जाएं, प्लीज ब्रिंग द कैमरा। यहाँ पे बन रहा है हॉट एंड सोर सूप, और उस तरफ बाद में आते हैं, पहले इसमें फिलहाल मैंने चिकन डाल दिया। सबसे पहले हम इसकी यखनी बना रहे हैं और ये इसके अंदर हम जी डाल रहे हैं हरा प्याज। अमार भाई, कुछ लोगों की डिमांड थी आप कुकिंग की वीडियो ज़्यादा नहीं दिखाते, ये मैं इसलिए बिल्कुल भी उनकी डिमांड को पूरा कर रहा हूँ जी, इंशाल्लाह ये बहुत कमाल का सूप होने वाला। दूसरी तरफ जी हमारा बन रहा है साथ इद्रीस भाई लगे हुए हैं, उस पर दुम्बा कढ़ाई बन रही है और उसका अभी तक फाइनल नहीं हुआ कि वो किस तरह बन रहा है, रेसिपी क्या होगी। बनेगा भी कि नहीं, बातें आ रही हैं, बनेगा भी कि नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दो मास्टर शेफ हमने बिठा दिए हैं, अभी देखें क्या होता है। अच्छा जी, किचन की सूरत हाल ये है कि ये देखें, ये 3 लोग लगे हुए हैं सिर्फ मैश करने के ऊपर, नहीं सारी नहीं, बहुत ज्यादा ये टेस्टी नहीं, वो मैश किया जा रहा है सूप के लिए, और वो एक बैठे हुए YouTube वीडियो पे सूप कैसे बनाना है, यहाँ पे अपनी वीडियोस देख रहे हैं, अपनी वीडियो देख रहे हैं, अपने व्यूज बढ़ा रहे हैं, बाद में ऐड कर देंगे राजा जी समझो। चले जी, सूप हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है और इसमें हमने कुछ वेजिटेबल्स डाली थी, गाजर हमने इसमें डाली है, इसके अलावा हमने इसके अंदर बंद गोभी डाली है, शिमला भी डालनी है, वो सब सैंड पे डालेंगे। और अभी इसमें मैं जो है चिली सॉस डाल चुका हूँ, बाकी चीज़ें मैंने डालनी है। ये है जी अंडे की सफ़ेदी, वो हम इसमें डालने लगे हैं, जर्दी हमने अलग कर ली है। ये जी सोया सॉस डाल रहा हूँ इसमें, ठीक हो गया, ये बंद करो जी। बस अब इसको उबाल आना है, नहीं अब तेज़ आंच पे इसको उबलने देना है, उसके बाद में ताकि अंडा भी बीच में पक जाए, ये देखें, और उसके बाद बस इसके अंदर कॉर्नफ्लोर हमने ऐड करना है और सूप हमारा रेडी है। चलें जी, फाइनली काफ़ी मेहनत के बाद सूप हमारा तैयार हो गया है, बुलाएं जी सबको, सबको बुलाएं जी सबको, जगह बनाएं अपनी अपनी, इधर अंदर ही आ जाए। रोटी खुल गई है। चलें जी, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह सूप तैयार हो चुका है, और ये मेरा रिव्यू नहीं है, सबका ही रिव्यू है कि सूप बहुत अच्छा बना है। जी इद्रीस भाई आप बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत ही मज़ेदार और आला, क्या बात है जी, रात बेहतरीन है ना? जी हाँ कमाल है, सही हो। दानियाल भाई बाहर वालों से भी जरा राय लें, क्या ख्याल है इस्लामाबाद में, ये कुछ छोटा सा इसका ना बना लें, क्या कहते हैं शॉप या कुछ ढाबा शॉप कुछ सोचना पड़ेगा। जी फरजान
कुछ यूनिक करते हैं इस्लामाबाद में एक कैंप की, ठीक है, ये मैं वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर लूंगा, रेसिपी आपको मिल जाएगी। अच्छा जी, अभी सूप वगैरह हो गया सारा डन, ये देखें पूरा का पूरा हमने जो है ये खाली कर दिया तकरीबन, और अभी तकरीबन ये काम भी करीब पहुंच चुके हैं ना। जी जी बिल्कुल, इसमें टमाटर डाल रहे हैं और ये ऑलमोस्ट गल चुका है, ये भी मज़े का ही बनने वाला है इंशाल्लाह। यहाँ पे इस जगह पे सबसे ज़्यादा मेन मसला था लकड़ी का हमें, और लकड़ी बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थी, लेकिन somehow कुछ ना कुछ करके जो है हमार ने कहीं से कुछ ना कुछ ले आया है, और फाइनली हमने आग जला ली है, क्योंकि बोन फायर ना होना तो कैंप का मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता। अभी हम लोगों ने सूप वगैरह इन्जॉय कर लिया है और अभी वेट कर रहे हैं, हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी होने वाली है, फिर इंशाल्लाह हम डिनर करेंगे। जी भट्ट साहब रेडी है जी, खाना रेडी हो चुका है इंशाल्लाह। ओके, ये कैमरा बार बार फॉगिंग आप चले जी दिखाएँ यहाँ से ज़रा। वो अभी तो फिलहाल नज़र नहीं आ रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉग आ रही है कैमरे के आगे अभी, और प्लेट में निकालते हैं फिर आपको दिखाते हैं, और देखने में तो बहुत कमाल का इसका लग रहा है टेस्ट, होपफुली अच्छा होगा। ये देखें भाई धुआं निकल रहा है रोटी, ओ वाकई यार धुआं निकल रहा है रोटी के, अभी भी शॉपर में थी फिर स्वेटर में थी। चले जी माशाल्लाह बिस्मिल्लाह, ये आ गया जी खाना, जबरदस्त जी जबरदस्त। ये जी हम सारे मैस टेंट के अंदर आ चुके हैं, और ये बंदे गिन लें जी, ये पूरे के पूरे 10 बंदे, और ये गुड हो गया जी। चले बिस्मिल्लाह करें यार, एक प्लेट एक्स्ट्रा थी। अच्छा जी हम कैंप के अंदर आ चुके हैं, और इस वक्त 11:15 हो चुके हैं रात के, ग्रीन टी चल रही है और काफ़ी अच्छा डिनर रहा है। ये है जी कैंप का कुछ अंदर का सेटअप, और हर तरफ लाशें बिछ गई हैं और इस वक्त हम इसके अंदर जी पूरे 10 लोग सो रहे हैं, काफ़ी बड़ा कैंप है, और अमार भाई लेके आए थे ये कैंप, सुबह मैं आपको दोबारा दिखाऊँगा, देखने में भी काफ़ी खूबसूरत कैंप है, और ये कुछ इस तरह का जो है सीन है। तो अभी लूडो खेलने का प्लान है, एक एक गेम होनी चाहिए यार, वैसे मज़ा आएगा। हमने लूडो सजा लिया बिल्कुल, इदरीस हैं, राहत और अब्दुल्ला। पानी की बोतल इधर ही कहीं पड़ी थी, ये बंदा बेईमान है जी, इसमें जी कौन वो वाला, ठीक है ये वाला सही है सही है, थैंक यू बिलाल भाई बहुत शुक्रिया। और राहत भाई याद है ना, ठीक है सही है सही है। चलें जी लूडो एंजॉय करते हैं, चलें जी मारे छक्का पहला। ये ले जी, किसके पास है दुल्ला, शुरू कर दो आप, ऐसे छक्का आता है देखने के लिए बात। अच्छा एम ही स्टार्ट करने केले केले हैं या हैं विनर टाइम से गेम मुका के मैं जा रहा हूँ बिस्तर में सोने। बिलाल भाई बल्ला फिर बेईमानी से जीत गया यार, देखो ट्रिक होनी चाहिए जीतने में, लूडो में सारी दिमाग की ट्रिक है, ऐसा ही है जी। चले जी मैं बिस्तर में जा रहा हूँ, ये अभी गेम चल रही है, बच्चे हैं यार कल के क्या लूडो खेलेंगे हमारे साथ। चले जी रात के बज रहे हैं 1, और अभी हम बाहर आए थे क्योंकि हमने नाइट लैप्स कैप्चर करने के लिए जो है गोप्रो लगाया हुआ था मैंने और राहत ने, और अभी गोप्रो को उठाते हैं और देखते हैं कैसी फुटेज आई है, और होपफुली कि आज की रात अच्छी गुजरेगी। आप इन्जॉय करें ये नाइट लैप्स, और हम चलते हैं वापस कैंप के अंदर सोने। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। Thank you.
Assalamualaikum, good morning. सुबह के बज रहे हैं जी तकरीबन 7 और अभी अभी सूरज जो होराइज़न से ऊपर आना स्टार्ट हुआ है और बहुत ही कमाल का मौसम है। पूरी रात इतनी तेज़ हवा चलती रही है ना कि कैंप बड़े मज़े से हिल रहा था और सही यख किस्म की ठंडी हवा थी बाहर। और अभी जैसे जैसे सूरज ऊपर आना स्टार्ट हुआ है तो मौसम फ़ौरन से चेंज होना शुरू हुआ है। होपफुली सूरज थोड़ा सा और ऊपर आ गया तो ठंड जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और इस वक्त मैं हूँ जी अपने कैंप की बैक साइड पे और बहुत कमाल का मौसम है यार, बहुत कमाल का नज़ारा है हर तरफ। आसमान का कलर बहुत कमाल का लग रहा है। अभी ड्रोन उड़ाते हैं और आपको ड्रोन फुटेज भी दिखाते हैं। फ़िलहाल ये सीन है जी, वो सूरज ऊपर आ रहा है और ये चेक करें यार, ये पिच है जी। यहाँ पर कल लड़के क्रिकेट खेल रहे थे शाम को और बैट बॉल होती तो सुबह सुबह हम भी सही जो है ना वार्म अप हो जाते। और ये नज़ारा है कुछ उस तरफ, हमारी कैंप साइट है। और यार इट्स सो ब्यूटीफुल, आसमान चेक करो, ओ ज़बरदस्त यार, सुभान अल्लाह। इसके अंदर पानी डाल दिया जी, कॉफ़ी सुबह सुबह। और बाहर अच्छी खासी ठंड है यार, जितनी देर से रिकॉर्डिंग कर रहे थे हाथ से ही जो है ना फ्रीज होने लग गए हैं। अभी स्टोव ऑन किया है, कॉफ़ी बन रही है जी, कॉफ़ी पीते हैं। ये था जी हमारा कैंप जो कल मैंने शाम को भी आपको दिखाया, दिन की रोशनी में भी दिखा देता हूँ। ये है जी बड़े वाला डॉम टेंट। ये थी कल रात को मेरी बैग। हाँ ये बोले जी, यहाँ से दरवाज़ा ज़रा देखते हैं अंदर इस साइड से। हाँ इजी, इधर नीचे से भी खोले, इजी हो जाएगा यहाँ से हमारा सामान निकालना ना। अमार जी सर, गुड यार, टेंट बहुत ज़बरदस्त था, लिटरली एक जगह पे सोने का मज़ा ही अलग था। इसी किस्म की कोई ठंड नहीं लगी सही में। टेंट क्योंकि फुल पैक हो चुका था, 10 बंदे अंदर थे और कोई जगह नहीं बची थी तो ठंड भी नहीं लगी। सही अंदर जो है ना गरम गरम इन्वायरमेंट था। ये जी हमारी टाइगर, गुड मॉर्निंग फ्रॉम टाइगर। इसमें मैंने कवर डाल दिया था जी और ये बहुत ही कमाल का कवर है, डस्ट प्रूफ है, वाटर प्रूफ है और काफ़ी मज़े की चीज़ है। मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है जी, इब्राहिम गोल्ड गैजेट्स, वहाँ से आप ये कवर मंगवा सकते हैं। और ये था जी हमारा मेस टेंट, यहाँ पे रात को सारी कुकिंग हुई थी और यहीं पे बैठ के हम सब लोगों ने डिनर किया था। ये हमने मेस टेंट बनाया हुआ था और ये हमारा सारा जो है लगेज टेंट है, इसके अंदर सबका सामान पड़ा हुआ है, ये फुल हेलमेट्स एंड ऑल दैट सब कुछ इसके अंदर है। वहाँ नीचे है जी पंचपीर का, नीचे की तरफ का व्यू इस्लामाबाद का और कश्मीर का। और ये है सनराइज साइट और चेक करें जी क्या कमाल का सीन है। इस व्यू के साथ कॉफ़ी जी, ठंडी हो गई, इतनी ठंड है ना वहाँ से कैंप साइट से यहाँ तक लाने में। इतनी मज़े की धूप है यार। चले जी सामान वगैरह सब कुछ पैकअप हो चुका है और तकरीबन सुबह के 9 बज चुके हैं, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ जी आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। आप लोगों की फरमाइश पे कैंपिंग में मैंने कोशिश की है कि जितना मैक्सिमम दिखा सकूँ, मैंने इसको बिल्कुल सेपरेट रखा और मैंने कैंपिंग का आपको मैक्सिमम दिखाया। जो एक ओवरव्यू ले लेते हैं जितने सब्सक्राइबर्स साथ थे उनसे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरे साथ कैंपिंग का, और उसके बाद फिर जी इंशाल्लाह हम निकलते हैं यहाँ से और इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड। ये हैं जी बिलाल भाई, ये तो पुरानी है, इनसे कुछ नहीं पूछते, वैसे भी ये लेट थे जी। मूसा निसार जी, कैसा रहा जी कैंपिंग का आपका एक्सपीरियंस? आपका तो फर्स्ट टाइम था, एंजॉय किया जी? जी बहुत मज़ा। चैलेंज गुड हो गया,
जी जनाब मुइज, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, फर्स्ट टाइम मैंने कैंपिंग किया और टूरिंग किया बाइक पे, तो रात को बहुत ठंडी हवा थी लेकिन कैंप के अंदर बहुत अच्छा टेम्परेचर था, खाना बहुत मज़े का खाया हमने, तो बकरा ही खाई उससे पहले, सूप पिया और सूप की ग्रेवी भी मिलती रही हमें। चले जी गुड हो गया, ग्रेवी भी सूप भी मिलती रही। ओके, इसके अलावा जी हमारे साथ थे द्रीस भाई और इन्होंने फर्स्ट टाइम कैंपिंग किया मेरे साथ, कैसा रहा जी एक्सपीरियंस? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन, और जो आपने सूप बनाया है ना, क्या बात, चले पैसे पूरे हो गए। इसके अलावा जी अब्दुल्ला थे, जी अब्दुल्ला कैसा एक्सपीरियंस था आपका? अमेजिंग, मज़ा आ गया। कैसा रहा एक्सपीरियंस? मज़ा आ गया। और इसके अलावा फरजान को आप ऑलरेडी जानते हैं, और राहत है, दानियाल है, और इसी के साथ ही करते हैं जी इस वीडियो के यहाँ पे एंड। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपका एक लाइक करना जो है ना वीडियो के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। करते हैं जी ब्लॉग को यहाँ पे एंड, बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होती है किसी और अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जी अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।